Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid and today I will discuss how to predict your VO2 max using Howard step test. What is Howard step test and what is VO2 max? VO2 max, we already discussed VO2 max in detail in my last presentation, in which we are measuring VO2 max using treadmill. So you can watch that video. What is Howard step test? Basically, Howard step test kya hai? Aerobic fitness ko measure karne ke liye hamare paas VO2 max ko measure karne के लिए एक टेस्ट है, जिसमें आप कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चेक कर रहे होते हैं. आप कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट भी इसको कह सकते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए डायग्नोस्टिक भी हो सकता है या डिटेक्ट भी कर सकता है. बहुत ही अच्छा मेजरमेंट है हमारे पास ये फिटनेस को चेक करने के लिए. तो हम एक्सरसाइज के दौरान अक्सर इसको यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान ईजी टेस्ट है. 1943 में हार्वर्ड पेटिक लेबोरेटरी में वर्ल्ड वॉर टू में ये जो टेस्ट है वो डिवेलप हुआ. बेसिकली बहुत ही आसान टेस्ट है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, हम इजीली कंडक्ट कर सकते हैं. और ये जो है, इसमें एरोबिक फिटनेस लेवल हमारे लिए चेक करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. VO2 max बेसिकली क्या है? आपका ऑक्सीजन अपटेक डैट इज यूटिलाइज बाई योर लार्ज मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज. तो जितना भी आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम यूज करें, डैट इज योर VO2 max. जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, आपका VO2 max क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो जितना आप एक्टिविटी करते हैं, उतना आप ऑक्सीजन को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं. तो VO2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. VO2 max के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि इस पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कितना फिट है, ये पेशेंट कितना फिट है कि नहीं. पेशेंट का फिटनेस, एथलीट का फिटनेस लेवल आप बता सकते हैं. ATP कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एरोबिक मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा है, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन कितनी अच्छी है. तो आप ये किससे जज कर रहे होते हैं? VO2 max के ज़रिए. VO2 max डिफरेंट एथलीट्स में डिफरेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पोर्ट्स. तो VO2 max डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए होता है हमारे पास? हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी कार्डिक आउटपुट. एंड कार्डिक आउटपुट आपके किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर. स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम वन वेंट्रिकल विद ईच बीट. और कार्डिक आउटपुट क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड वन वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन मिनट इंटरवल. स्ट्रोक वॉल्यूम वन बीट है. एंड हार्ट रेट क्या है कि आपके जो एक जो उसमें हार्ट रेट जो है, एक मिनट में आपका क्या कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है. तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, कार्डिक आउटपुट आ जाता है. कार्डियोवैस्कुलर फिक इक्वेशन होती है जो कि VO2 max को मेजर करने के लिए होती है. हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इंट्रावेनस डिफरेंस. सो कार्डिक आउटपुट एंड इंट्रावेनस डिफरेंस से आप किसी भी इंसान का VO2 max आप मेजर कर सकते हैं. ये स्ट्रोक वॉल्यूम दिखाई के हैं ट्रेंड में, अनट्रेंड में और हाईली ट्रेंड में, एट द टाइम ऑफ रेस्ट एंड एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज मैक्सिमम कितने दिखाए गए हैं. अच्छा, मेजरमेंट्स की हम बात करें, हम डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं. ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं, हमारे पास बैंड्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर फिक इक्वेशन है. तो डिफरेंट बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं. हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, हम चूज़ करते हैं पर्सन के हिसाब से, एथलीट के लेवल के हिसाब से, उसके स्पोर्ट्स के लिहाज से, कि कौन सा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेस्ट होगा जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे हम उस पर्सन का जो VO2 max है वो अच्छे से मालूम हो सकेगा. हार्वर्ड टेस्ट स्टेप टेस्ट है जो इजीली हम करते हैं. ये सबसे आसान टेस्ट है. इसकी खासियत ये है कि आप किसी भी पर्सन पे आप इजीली कर सकते हैं और आप ये कहीं पे भी कर सकते हैं. सिर्फ आपको एक स्टेपर चाहिए जिसकी हाइट 20 इंच तक होनी चाहिए या 50.8 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए. एक आपके पास स्टॉप वॉच हो और एक आपके पास मेट्रोनोम हो, ये कैडेंस टेप हो. ठीक है, सिंपल ही होनी चाहिए. आपने क्या करना है, आप पिक्चर देख लें. इसमें जैसे पिक्चर में परफॉर्म हो रहा है, सिंपल इसी तरह परफॉर्म होगा. आपने क्या करना है, अपने जो क्लाइंट है, अपने एथलीट है, जो पर्सन आपके पास है, आप उसको 5 मिनट का ये टेस्ट है, या जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता, मतलब 5 मिनट से पहले अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप इसको स्टॉप कर देंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 मिनट तक आपने एग्जॉशन क्या है कि आपका क्लाइंट जो पर्सन खुद कहे कि मैं इसको आगे 15 सेकंड तक कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप इस टेस्ट को स्टॉप करवा देंगे. 5 मिनट के लिए आपने क्या करना है, रीडिंग लेनी है. स्टार्ट करेंगे, आपने रेस्ट में आपने हार्ट रेट की रीडिंग ले ली है. अब आपने क्या करना है, 5 मिनट के टेस्ट में आपने पहले 1 से 1.5 मिनट के दौरान फर्स्ट रीडिंग लेनी है. उसके बाद क्या करना है, आपने 2 से 2.5 मिनट के बाद रीडिंग लेनी है. और तीसरी रीडिंग आपने लेनी है 3 से
3.5 मिनट के दौरान, यानी फर्स्ट रीडिंग आप कब लेंगे, 5 मिनट आपके कंप्लीट हुए, पहले आपने 1 से 1.5 मिनट पे ले ली, यानी 1 से 1.5 के बीच में ले ली, अब आपने 2 से 2.5 के बीच में लेनी है, देन आपने नेक्स्ट 3 से 3.5 के बीच में लेनी है। तो 5 मिनट का टेस्ट है जिसमें आपने क्या करना है, आपने हार्ट रेट लेते रहना है। अब अगर पर्सन थक जाता है तो आपने इसको एग्जॉस्ट हो जाता है तो आपने इस टेस्ट को स्टॉप करवा देना है। अब आपने जो रीडिंग ली है उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप पेशेंट का फिटनेस इंडेक्स स्कोर मालूम करेंगे। फिटनेस इंडेक्स स्कोर मालूम करने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है, 100 × टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2 × सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड, यानी 100 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके पास थे 300 सेकेंड्स 5 मिनट में, तो आपने 300 सेकेंड्स लिखने हैं। सम ऑफ बीट आई, फॉर एग्जांपल आपकी जो पहले 1 से 1.5 मिनट में जो रीडिंग आई डैट इज़ 90, सेकेंड आपकी 2 से 2.5 के बीच में हार्ट रेट रीडिंग आई डैट इज़ 80, थर्ड आपके 3 से 3.5 के बीच में रीडिंग आई डैट इज़ 70, तो आपने 90, 80, 70 को प्लस कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 × टेस्ट ड्यूरेशन जो कि 300 था डिवाइडेड बाय 2 × 240, तो आपके पास रीडिंग आ गया 62.5, डैट इज़ योर स्कोर जो आपने फिटनेस इंडेक्स स्कोर के ज़रिए आपने क्या कर लिया, किसी भी पर्सन का हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के ज़रिए उसका फिटनेस स्कोर मालूम कर लिया है। अब हमने देखा था कि इसका कितना आ रहा है, 62.5। हम देख लेते हैं इसकी किस रीडिंग के बीच में आ रहा है, इसके आ रहा है 62.5 इज़ लो एवरेज के बीच में, ये हमारे पास स्केल दिया गया, अगर 55 से नीचे होगा तो पुअर होगा और अगर 90 से अबव डैट इज़ एक्सेलेंट गुड, 80 और 89 के बीच में रीडिंग आ रही तो गुड है, हाई एवरेज के 65 से 79 के बीच में, लो एवरेज के 55 से 64 के बीच में, ये आप कोई भी ईजिली कर सकता है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप ये सेल्फ एडमिनिस्टर्ड टेस्ट है, आप खुद भी अपना कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट है, इजीली आप कर सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी कंडक्ट कर सकते हैं, आपके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होनी चाहिए, आपके लिए एक स्टेपर होना चाहिए, आपके पास वॉच होनी चाहिए और बस डैट्स इट, आप पर्सन स्टार्ट करें और आप स्टार्ट कर लें। अक्सर फील्ड में हमें जहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होते, हमें उसका कार्डियोवैस्कुलर जो फिटनेस चेक करनी होती है, हमें VO2 max चेक करना होता है, तो हम इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं और हम बहुत ईजिली मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान टेस्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट लोगों की बायोमैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती है, स्टेप हाइट अगर सेम है, स्टैंडर्ड है जो कि स्टैंडर्ड रखनी चाहिए जो हमने बताया 20 इंच, लेकिन जो लोग लंबे होंगे तो उनको तो फ़ायदा हो जाएगा, जिनकी हाइट कम होगी तो उनको कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस हो, इतना थोड़ा नुकसान हो सकता है या थोड़ा सा वेरिएशन तो हो सकती है, बॉडी वेट में लोगों की वेरिएशन हो सकती है, तो ये एक इशू हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गिव मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.